अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, थोड़ा सा भी एहसास है अपनी गलती का, तो हम सबके जीवन से दूर चला जा। बहू और भोला को मैं संभालूंगा, उसकी देखभाल मैं कर लूंगा। तुझसे शादी करा के उस बेचारी का जीवन बर्बाद किया है मैंने, उसका पश्चाताप ही कर लूं। जा बेशर्म, चला जा यहां से। बाबा, साई ने कहा है भोला को मेरी जरूरत है, बस एक बार भोला ठीक। तेरे जाने से ठीक होगा वो, मैंने कहा ना तू मर्ज है मर्ज, दवा होने की गलतफहमी निकाल दे। साई भले इंसान है, वो तेरी फितरत नहीं समझे इसलिए कह दिया। बेटा तो तू कभी अच्छा था ही नहीं, बाप भी अच्छा नहीं बन पाया। कम से कम उनकी जिंदगी से दूर जाकर उन्हें बख्श ही दे। संभव हो सकेगा तो मैं दूसरे गांव से बैद बुला लूंगा, लेकिन तू हमें माफ कर दे। परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है, उम्मीद है काशी इसमें उत्तीर्ण होगा। तू मर्द है मर्द, दवा होने की गलतफहमी निकाल दे। बेटा तो तू कभी अच्छा था ही नहीं, बाप भी अच्छा नहीं बन पाया। कम से कम उनकी जिंदगी से दूर जाकर उन्हें बख्श ही दे। दवा होने की गलतफहमी निकाल दे। मैं बेकार हूं, किसी काम का नहीं, किसी लायक नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं। ये कब से अपने बाबा की रट लगा है बाबा। हाँ बेटा, कम से कम हम इसके बाबा को बुला लेते हैं। आई, आई। मैं अभी भी बाजार से आ रहा था और 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 मैंने काशीनाथ को शराब की भट्टी की तरफ जाते देखा। आपकी औषधि से नहीं, साई की मदद से छूटी है। नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो काशीनाथ का अपने परिवार के प्रति प्यार था। इन्हें खोने का डर था, जिसने इसे ठीक किया है। कुछ ठीक नहीं हुआ है ये। ये फकीर हम सबको मूर्ख बना रहा है कि काशीनाथ की शराब की लत छूट गई है। ए,
तो दुनिया को मूर्ख बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं ये फिर से शराब पीने लगेगा और पैसे नहीं है इसके पास। मेरा तो अंदेशा है कि शराब के लिए ये अपना घर भी बेच देगा। और इसने अगर अपना घर बेच दिया तो मेरे तो पैसे डूब गए। मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए आज ही मैं अपने पैसे वसूल के रहूंगा। चल मेरे पैसे दे, नहीं तो इस घर के बाहर निकल। और याद रख, इस फकीर के कारण तू खुले आसमान के नीचे आ जाएगा। परेशान मत हो काशीनाथ, मैं अभी जाकर तात्या के बाबा से बात करती हूँ। आज शाम तक हम पैसे इकट्ठा करके आपको लौटा देंगे। बायजा का शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। क्या मुझे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं काशीनाथ? मुझे पता था। काशी के सर से छत छीन कर मैं गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि जब भी कोई मेरे कट्टर शत्रु फकीर पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ। देख क्या रहे हो, निकाल फेंको इसके घर से सारा सामान। जी सरकार, चलो जाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.